आज बात एक ऐसी चौंकाने वाली रिसर्च की जो पुरुषों और मानव जाति के भविष्य से जुड़ी है। क्या आपको पता है कि पुरुषों का वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में पुरुषों का वाई क्रोमोसोम विलुप्त हो सकता है। इससे क्या होगा, दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि वाई क्रोमोसोम क्या है, इसके खत्म होने के क्या कारण है। हमारे शरीर की हर कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से एक जोड़ा हमारे लिंग को निर्धारित करता है। महिलाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों के पास 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम पुरुषों के लिंग निर्धारण और शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। वाई क्रोमोसोम में मौजूद जीन पुरुषों के विकास और हार्मोन्स के लिए काफी अहम होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, जो पुरुषों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब सवाल ये है कि वाई क्रोमोसोम गायब क्यों हो रहा है? असल में रिसर्च से पता चला है कि पिछले लाखों वर्षों में वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम लगभग समान थे, लेकिन समय के साथ क्रोमोसोम ने अपने कई जीन खो दिए और अब ये काफी छोटा हो गया है। आज वाई क्रोमोसोम में केवल 50 से 200 सक्रिय जीन बचे हैं, जबकि एक्स क्रोमोसोम में लगभग 1000 से ज्यादा जीन होते हैं। रिसर्च में ये भी पता चला है कि हर 1 मिलियन साल में वाई क्रोमोसोम के कुछ जीन गायब हो जाते हैं। अगर ये प्रक्रिया इसी तरह चलती रही तो आने वाले लगभग 4.5 मिलियन सालों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वाई क्रोमोसोम के खत्म होने के पीछे कारण क्या है, इसे लेकर वैज्ञानिकों का क्या कहना है। पहला कारण है जीन की कमी। वाई क्रोमोसोम में अन्य क्रोमोसोम की तुलना में बहुत कम जीन होते हैं और इसके जीन समय के साथ गायब हो रहे हैं। इसका कारण है जीन डिग्रेडेशन, यानी कि जीन का धीरे धीरे खत्म होना। दूसरा कारण है वाई क्रोमोसोम का पुनः संयोजन न कर पाना। वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की तरह खुद को रिपेयर या अपडेट नहीं कर पाता है। ये अपने आप में अनोखा है और अन्य क्रोमोसोम्स की तरह आपस में बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए इसके जीन समय के साथ कमजोर होते जाते हैं और आखिरकार खत्म हो सकते हैं। तीसरा कारण, प्राकृतिक चयन। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकृति खुद वाई क्रोमोसोम को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इसका कारण है कि वाई क्रोमोसोम में कुछ जीन जो पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं समय के साथ अन्य क्रोमोसोम्स पर चले गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो इससे इंसानों पर क्या असर पड़ेगा? क्या इसका मतलब ये होगा कि भविष्य में पुरुष पैदा ही नहीं होंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वाई क्रोमोसोम गायब भी हो जाता है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। कुछ जानवरों जैसे कि चूहों की कुछ प्रजातियों ने वाई क्रोमोसोम के बिना भी विकास किया है। ये जानवर अपने प्रजनन के लिए अन्य जीवों और तंत्रों का उपयोग करते हैं। इसी तरह वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव भी इस स्थिति से निपटने के लिए नए तरीकों का विकास कर सकता है, जैसे कि अन्य क्रोमोसोम्स में जीन्स को ट्रांसफर करने के तरीकों पर काम हो सकता है या नए जीनोम एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक भविष्य में आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाने पर भी काम कर रहे हैं, जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में वाई क्रोमोसोम का अंत हो सकता है या विज्ञान इस समस्या का हल ढूंढ लेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।